अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ नाज़रीन, इमिग्रेशन चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। वज़ीर दाखिला तेलंगाना जनाब महमूद अली ने आज अपनी हाज़री हज़रत अहमद बाद पाक रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने जो कि सैयद नगर फसलांसर में वहाँ पर हाज़री दी और चादरें गुल पेश किया। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वो तेलंगाना रियासत की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ करें, और साथ ही साथ आज तेलंगाना राष्ट्र समिति के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब केटीआर साहब की सालगिरह है। इस मौके पे उन्होंने उनके लिए लंबी उम्र और सेहत की दुआ की। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं एक तफसीली रिपोर्ट पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ की। नाज़रीन, मेरी आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर आप हमारी मदद के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सैयद अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिर दी हैं, और उनके मुतवल्ली साहब इम्तियाज़ साहब अहमद भाई साहब, उन्होंने गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह ताला आज केसिया साहब के बेटे साहिबजादे के टी रामाराव साहब का जन्मदिन है, उनके लिए ख़ास तौर से उनकी सेहत और तंदुरुस्ती दराजी उम्र के लिए दुआ की है। और हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए भी गिड़ा कर दुआ की गई, उन्हें भी अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्त रखे और उनकी हुकूमत हमेशा कायम रखे। वो एक ऐसे